तो हमारे पड़ोसी आ गए जिनके साथ हमने पूजा करनी थी। तो काजू ने बोला थोड़ा कुछ मिनट रुक जा, तो हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि मेरे फोन में भी बैटरी नहीं है, थोड़ा चार्ज करूंगी। तब तक मैं उन्हें बोलूंगी बैठ जाओ। साहब सूट पहन कर मस्त लग रहे हैं। हाँ हाँ ठीक रुक जाओ। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं कथा पढ़ने के लिए, जल्दी आ जा। नैन्सी को बोले हम पढ़ ले, ये देखो। चलो 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 रे चलो 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 रे बच्चों चलो 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 नहीं अली दीदी हम नैन से बैठ चल पढ़ ले। देखो दोस्तों ऐसी है, चलो चलो अंशु पढ़ देख लो, ये है आजकल के बच्चे। चलो यार काजू तू ही पढ़, फिर पढ़ना तो है किसी ना किसी ने। जय गेहूं ना वहां से निकाले, विधि लिखा होगा ना उसमें, पूजा की विधि। दो नहीं एक ही किताब, वो तो कैलेंडर है वो इस बार। अच्छा। किताब बुक शेमनी चा शेमनी देखो कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से दें और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ व्रत की कथा। एक शाहूकार के सात लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत। तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों के बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्ध देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरम्भ किया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन लगा दिया। प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो करवा चौथ माता की जय।
तो फाइनली दोस्तों हमारी ये दिया की आरती की थाली तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ी देर में आरती करेंगे क्योंकि हमारे कीर्तन भजन पूरे हो चुके हैं, बस अब आरती करेंगे, सबके सब आ जाए तो बस दोस्तों अब कीर्तन हमारे हो गए, बस अब हम आरती का वेट कर रहे हैं। वो आ रही, नैन्सी आ रही, तो आरती करते हैं हम लोग फिर। संपन्न और बहुत अच्छे से हमारा पूजा पाठ हो चुका है और दीदी और आप जा रहे हैं अपने घर, है ना। मैंने कहा चाय चुई पी के जाओ, तो उन्होंने कहा चाय हम बनाएंगे घर पे। हाँ, वो घर पे जा रहे, तो बस अब हम भी तुलसी मैया को पानी चढ़ाते हैं, बस उसके बाद हमारा पूजा संपन्न हुआ। फिर रात की पूजा चंद्रमा को देखते हैं कब तक आते हैं। चंद्रमा से हमारे निवेदन है कि चंद्रमा जी जरा जल्दी जल्दी आना ताकि हम जल्दी जल्दी आपको अर्घ दे सके, है ना। चलिए नैन्सी बोले मेरी वीडियो बनाओ कि भाभी, क्योंकि वो ढंग से स्टार्ट कर बुक यानी अच्छा वहाँ अंदर से ले ले, वहीं पे रखी होगी। जाती ऐसे ही गिराती है ये? जा, तो अब पूजा वगैरह तो होगी हमारी शाम की जो होनी थी, और तुलसी को भी पानी चढ़ा दिया है, तो अब देखते हैं रात के लिए तैयार होते हैं। चंद्रमा कब तक आएगा पता नहीं, इंतजार करवाएगा चंद्रमा या जल्दी आएगा,
देखते हैं। तो चलो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना। कल जरूर आना कि चंद्र देवता कब तक पधारे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा।